हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सुधीर रिव्यू चैनल। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कार की सेंट्रल लॉक के बारे में। अगर कई बार क्या होता है कि अगर आप अपनी कार के की से लॉक अनलॉक प्रेस करते हैं तो आपका सेंट्रल लॉक काम नहीं करता है और गाड़ी लॉक नहीं होती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके रिमोट की जो की है लॉक अनलॉक का उसमें इशू है या आपके कार के सेंट्रल लॉक में कोई इशू है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स परेशान हो जाते हैं कि उनकी कार की लॉक अनलॉक काम नहीं कर रहा है, तो वो सर्विस सेंटर भागते हैं और वहाँ जाके कुछ ना कुछ उनको पे करके आते हैं। हालांकि ये बहुत ही छोटा इशू है, तो इसको आप खुद ही रिजॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। आप कैसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर आपकी कार के की में इशू है या सेंट्रल लॉक में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे ही कार से रिलेटेड बेहतरीन वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, देख सकते हो मैं लॉक का बटन दबा रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा है। उस टाइम काम कर गया था और अभी देखो ये मैं अब कर गया, तो काफ़ी टाइम लिया, अब हो गया। रिमोट की लॉक अनलॉक काम नहीं करने का दो रीज़न होता है, या तो इसकी बैटरी ख़राब हो गया हो या आपके सेंट्रल लॉक में कोई इशू है। कहीं से कार को ड्राइव करके आते हो और कार बंद करते हो तो आपका लॉक अनलॉक वर्क करता है, और उसके बाद अगर थोड़ी देर के बाद एक घंटे के बाद आते हो और आप अपनी कार की की को प्रेस करते हो अनलॉक करने के लिए, तो उससे अनलॉक नहीं होता है। तो इस केस में मोस्ट चांसेस होता है, जो सबसे ज़्यादा चांसेस होता है उसमें आपके रिमोट के बैटरी सेल डाउन है, तो आप सिंपली आफ्टर मार्केट से इसे 50 रुपये में लगता है आप चेंज करवा लें। तो ये मेरी बलिनो की दोनों की है, एक की मास्टर की है जिसमें देख सकते हो की नंबर लिखा रहता है कि इनकेस कभी आपके कार की खो जाए तो इस नंबर से आप इजली डुप्लीकेट की बना सकते हैं, और दूसरा जो मैं यूज़ करता हूँ डेली उस पर ये छल्ला लगा हुआ। तब मैं इस छल्ले वाले की बैटरी चेंज करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कार की रिमोट की बैटरी खुद से कैसे चेंज करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे सिंपल एक स्क्रू है, जो आप एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, आप एक बढ़िया से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको सिंपल आप खोल देंगे, और इसे खोलने के बाद इसे इस साइड से आप इस बटन साइड से पुश कर दो तो इसका जो इसमें बैटरी है पूरा सेट निकल जाता है। उसको खोलने के लिए यहाँ स्क्रू ड्राइवर से आप इसे खोल दो, बहुत ही इजीली ये खुल जाता है। हल्का सा कट से एक लॉक होता है, खुल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ बैटरी लगा हुआ, बैटरी को इजीली आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से निकाल दो, और बैटरी निकाल के जो नई बैटरी आपने मंगाया है उसका प्लस माइनस साइड देख के प्लस वाले साइड में प्लस को रख के आप लगा दो, टिक से आवाज़ आएगी और ये सेट हो जाएगा। इसे वापस से उस ढक्कन को बंद करके वापस से इसको रिमोट के की के खांचे में लगा देना है, और ये आपका। तो फ्रेंड्स, ये डेमो टाइम है और आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरा जो मास्टर की है जिसमें मैंने बैटरी नहीं चेंज किया है, उससे पहले मैं ट्राई करके दिखाता हूँ और इसको ट्राई करता हूँ। देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये मेरी की से अनलॉक नहीं हो रही क्योंकि मैंने इसमें बैटरी चेंज नहीं किया है। और आपको क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप यूज़ भी नहीं करोगे तो भी आपके 2 साल में बैटरी ख़त्म हो जाती है। देखो मैं कितना भी प्रेस कर रहा हूँ, ये लॉक अनलॉक काम नहीं कर रहा। मैं आपको काफ़ी करीब से दिखाऊँगा, अगर मैं अनलॉक करूँगा तो इसकी लाइटें जलेगी, लेकिन देखो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। इस की को मैं प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, हालाँकि मैंने बहुत प्रेस किया है, ना अनलॉक काम कर रहा है ना अनलॉक की। तो अब दिखाता हूँ मैं दूसरे की का यूज़। अब मेरे पास है दूसरी की, दे सकते हो जिसमें छल्ला लगा हुआ, आप आइडेंटिफाई कर लो, ये दूसरी की है, मास्टर की नहीं है। और इससे मैं गाड़ी को करता हूँ अनलॉक, ये देख सकते हो अनलॉक हो गए। इससे कर रहा हूँ लॉक, लॉक हो गए, अनलॉक लॉक। फिर से आपको मास्टर की ट्राई करके दिखाता हूँ लॉक करके, ये देखो काम नहीं कर रहा है, ये कितना भी प्रेस करूँगा ये काम नहीं करेगा। तो ये दोनों की है मेरे हाथ में, और ये छल्ले वाले को मैं प्रेस करता हूँ, देखो लॉक हो गया। दूसरा केस होता है कि अगर आपकी कार की बैटरी सही है, उस केस में आप अगर आप लॉक अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हो जिसका आई बटन में लिंक है, ऊपर आप देख सकते हो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप इजीली देख कर समझ सकते हो कि कैसे आपकी कार की सेंट्रल लॉकिंग को ठीक कर सकते हो खुद से अपने घर पे और सर्विस सेंटर जाने से बच सकते हो। इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऐसे ही कार से रिलेटेड बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।